खबर धौलपुर से है, जहां पर संविदा नर्सेज कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संविदा नर्सेज का वेतन यूटीबी नर्सेज की तरह 23,500 करने की मांग की गई। इसी के साथ मांग नहीं मानने पर 1 जून से कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई। नर्सिंग भर्ती 2016 संघ समिति से हम वर्ष 2016 से मात्र 7,000 रुपये प्रति माह कार्य कर रहे हैं, जबकि एनएचएम की द्वारा अन्य राज्यों के संविदा नर्सिंग कर्मियों को 26,500 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। हम सभी लोग नर्सिंग भर्ती परीक्षा के द्वारा सेलेक्टेड हुए हैं और आयुर्वेद में भी संविदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि 31 मई 2020 तक हमारा वेतन 26,500 किया जाए, नहीं तो 1 जून 2020 से सामूहिक कार्य बहिष्कार के लिए हमें मजबूर